नमस्कार, कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। 7 दिवसीय देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व का आज विधिवत समापन हुआ है। देवी देवता जो यहां पर आए थे, सभी देवी देवता यहां से रवाना हुए हैं। लंका दहन के बाद जो है पूरा ढालपुर मैदान जो है सुनसान हो गया है। 7 दिनों तक जो है ढालपुर मैदान ऐसा लग रहा था कि यूं मानो कि स्वर्ग से कम नहीं है और स्वर्ग के सभी देवी देवता यहां पर जो है विराजमान हुए हैं। देव धुन से और देव आरतियों से जो है पूरा ढालपुर मैदान गुंजायमान हो रहा था, लेकिन आज जो है पारंपरिक तरीके से जैसे ही लंका ध्यान हुआ तो सभी देवी देवता अपने देवालयों की ओर लौटे और देव मिलन के बाद ये वादा करके गए कि अगले वर्ष जो फिर जो दशहरा पर्व में जो है मिलन होगा। उधर सायकाल उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने जो है विधिवत रूप से 7 दिवसीय देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व का समापन किया। उन्होंने इस दौरान बताया कि इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व जो है पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से मनाया गया। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है इसकी जो रथ यात्रा जो शुरू की रथ यात्रा थी उसमें भी भाग लिया और लंका दहन की रथ यात्रा में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का व्यापार यहां पर इस बार नहीं किया गया और ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि इस बार जो है आशा से अधिक देवी देवताओं ने यहाँ पर भाग लिया और 285 देवी देवता यहाँ पर पहुंचे और सभी देवी देवता जो यहाँ पर जो है उनकी रहने की जो है उचित व्यवस्था थी। उधर आज जो है पुजारी कल्याण संघ और गुरु कल्याण संघ ने भी जो है प्रशासनिक व्यवस्था की दशहरा कमेटी की और सरकार की जो है प्रशंसा की है और आभार प्रकट किया है कि यहाँ पर जो अच्छी व्यवस्था इस बार हुई है और साथ में ही सरकार का धन्यवाद किया है कि पहले नजराना नहीं दिया जा रहा था और अब जो है उनकी मांग पर जो है पुजारी कल्याण संघ और गुरु कल्याण संघ की मांग के बाद जो है सरकार ने निर्णय बदला और नजराना जो है देवी देवताओं को दिया जा रहा है। आप देखिए आशुतोष गर्ग जो उपायुक्त है कुल्लू के, उन्होंने क्या कहा, स्वयं सुनिए। राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 2021 का आज विधिवत रूप से समापन कर दिया गया है और इस बरी के दशहरा में जो है वो, जैसा आप सबको मालूम है कि इस बार बिल्कुल पारंपरिक रूप से दशहरा का उत्सव मनाया गया, जिसमें कोई भी कल्चरल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं थी। केवल जो पारंपरिक देवी देवताओं से संबंधित जितनी भी हमारी रस्में हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, उनको सेलिब्रेट किया गया। सो दशहरा समिति की ओर से कुल 332 जो हमारे रजिस्टर्ड देवी देवता हैं उन सबको इनविटेशन दिया गया था और बड़ी हर्ष की बात है कि इस बार कुल 285 देवी देवताओं ने इस पूरे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 28 देवी देवता ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं और बाकी सब 284 देवी देवता ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड देवी देवता हैं जिन्हें बकायदा इनविटेशन दशहरा समिति की ओर से दिया गया था। तो इन सभी देवी देवताओं ने और इनके साथ आए देवलू कारकुन जितने भी लोग इनके साथ यहाँ आते हैं, उन्होंने सारी पारंपरिक रस्मों में, सारे रिचुअल्स में भाग लिया और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से जो है ये दशहरा का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। बहुत सारे लोगों ने रथ यात्रा को पहले दिन भी और आज के दिन लंका दहन और रथ यात्रा को विटनेस किया। तो मैं सभी विभागों का जिन्होंने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जिला प्रशासन की मदद करी, सभी स्वयंसेवी ऑर्गेनाइजेशंस जो आगे आई जिन्होंने इस समय कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर और कोविड नियमों को लेकर लोगों को अवेयर किया ताकि इस पूरे दशहरा उत्सव के दौरान किसी भी तरह की कोविड नियमों की अवहेलना ना हो, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही सभी प्रेस से हमारे जितने भी मित्र हैं उन सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि प्रेस के थ्रू भी थ्रू आउट इन पूरे समय जो है इस कोविड को लेकर और सभी कोविड संबंधित नियमों को लेकर लोगों को अवेयर किया गया और ICE एक्टिविटी करी गई और उसी वजह से हम इसको सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ कर पाए। तो अंत में मैं
अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 2021 के विधिवत समापन की घोषणा करता हूँ।